Güzel lan. Geç kalk bak sen. ఇంకా పిచ్చి వెనకూడదు కామ్ ఉండండి ప్లీజ్ సైలెన్స్ ఆన్ 11/8/2013 నైట్ అరౌండ్ 12 o'clock ఇన్ ద మిడ్ నైట్ వి రిసీవ్డ్ హమ్కో ఏక ఖబర్ ఆయా కి ఏక మర్డర్ హో గయా సో డిసీజ్డ్ గా నామ్ హై షేక్ సయ్యద్ బిన్ అబ్దుల్ రహమాన్ బావజీర్ एज 27 ईयर्स सो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है सो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया सो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज सो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है नाउ अंडर सेक्शन 302-120B रेड विथ 34 IPC बनलगुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डीसी शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज्ड A1 का नाम अहमद बिन हजेब एज 20 ईयर्स वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगोड़ा जेल में मिला है उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था बट दिस इज शेख बावजीर ने ये सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं कहीं चीज़ों में कहीं कहीं टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था सो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड A2 अहमद सादी A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी A5 उमर सादी इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों इसमें अब्दुल्ला सादी म्युनिसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्युनिसिपालिटी में जलपल्ली म्युनिसिपालिटी का म्युनिसिपल चेयरमैन है सो जलपल्ली म्युनिसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर ए डी सी शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है सो इन लोगों को A2 अहमद सादी A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी इन तीनों और A5 उमर सादी इन तीन चार जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर सो ये ग्रजेस के ग्रजेस से एक दो बार उसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है अभी हमको पता चला कि वो शेख बावजीर ने ब्लैकमेल किया इसके द्वारा ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है फिर भी शेख बावजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज़ इन जलपल्ली म्युनिसिपालिटी एरिया लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है सो इसको हटाने के लिए इसको सेटल करने के लिए इन्होंने A1 अहमद बिन हजेब को एक टूल जैसा यूज़ किया बिकॉज ये अहमद बिन हजब और शेख बावजीर का रिलेशनशिप था पहले सो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते बोल के सोच के अहमद सादी बोल के ये दोनों का बीच का रिलेटिव है अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है उसके उसका उससे उससे इन्होंने
एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटा गए तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख्स दे देंगे बोल के उमर साजिद के द्वारा दे हैव गिवन अश्योरेंस दैट अश्योरेंस टू अहमद बिन हजब। सो अहमद बिन हजब और A6 मोहम्मद अयूब इन दोनों ने सो इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। एवन अहमद बिन हजब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको डरा के शेख बाउजर के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के और थोड़े देर के बाद जब बाउजर ने एक अच्छा सरकमस्टांसिस में जिसके उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अपस्टैंडिंग हो गया है और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब मर्डर हुआ उस दिन से अपस्टैंडिंग में था। सो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और CP सर हैज क्लियरली टोल्ड टू गो थ्रू प्रॉपरली इन द एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कहीं जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज A1 अहमद बिन हजेब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज हम जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। सो इस केस में जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके अक्यूज्ड को पकड़ के लेके आया। सो CP साहब ने हमको अप्रिशिएट किया गया है। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द ACP चंद्रान गुट्टा, SHO बनलागुड़ा एंड ऑल द टीम मेंबर्स फॉर सक्सेसफुल डिटेक्शन ऑफ दिस केस एंड ब्रिंगिंग द अक्यूज्ड टू द जुडिशियल रिमांड। थैंक यू। क्लियर। अहमद हजाबी को उमर सादी पहचानता है, उमर सादी से अहमद सादी का एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से A1 का, उसके अंदर उसने पुलिस कस्टडी में रहने वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना, we are initiating inquiry on that. सबको सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। सो हमारे पास पूरा एविडेंस है। सो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स फाइन आर्ट 6 का कंटेंट्स आता है। फाइन आर्ट 6 IPC इज़ नॉन कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते फाइन आर्ट 6 कंटेंट्स में। जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजिबल बोलता है। ये सेक्शन का ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है एंड हमारा लोग वो कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तो तुरंत केस बुक होता है। सो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशंस करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है एंड दोनों रोडी शीटर है। उसको बुला के बात किया, कभी कभी रोडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। सो हमारे तरफ से देर इज़ नो लैकनेस, देर इज़ नथिंग दैट वी हैव नॉट डन फ्रॉम आवर पुलिस साइड। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टू ऑल द पब्लिक, वेन एवर सम इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, वेन एवर समथिंग समबडी इज थ्रेटनिंग, डेफिनेटली वी आर टेकिंग एक्शन एंड वी विल कंटिन्यू टू टेक एक्शन। वी कॉन्ट टेक एक्शन ऑन आवर ओन, इट हैज कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर टू रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट आर नॉट। सो वंस द कोर्ट गिव्स द परमिशन विल रजिस्टर द केस। ఆయన ఒక వీడియో కూడా వైరల్ చేశారు సార్, పొజిషన్ ఆపోజిట్ వచ్చేసి అది యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదని. ఏ బౌత్ సార్ కై సారే వీడియోస్ హై డైలీ బౌత్ సారే లోగ్ ఆకే ఐసే వీడియోస్ బనాతే హై బట్ జో జిస్మే సబ్స్టెన్స్ హై ఉస్మే జరూర్ హమ్ యాక్షన్ లేంగే, ఇస్మే సబ్స్టెన్స్ నహీ హై జస్ట్ ఎవిడెన్స్ కా ఆడియో రికార్డ్ నా భీ ఇంటిమిడేషన్ కరో ఫైన్ ఆర్ట్ 6 హి ఆతే హై
वो कानून में आईपीसी में इससे ज्यादा सेक्शन नहीं है एंड 506 इज अ नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वी कैन नॉट टेक एक्शन ऑन आवर ओन व्हाट वी कैन डू इज कॉल देम एंड काउंसिल देम वी काउंसिल देम वी कॉल्ड वी हैव कॉल्ड देम फॉर बाइंड ओवर आल्सो एंड वी हैव टोल्ड इनफॉर्मली एंड फॉर्मली आल्सो वी रजिस्टर्ड अ केस वी हैव सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट नो व्हेन समथिंग इज इन द सब ज्यूडिस वी कैन नॉट टेल एनीथिंग इफ समथिंग वी टेल इट विल इट गोस अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन सो व्हेन समथिंग इज इन्वेस्टिगेशन पहले वो एक बोलता है अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है देन आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये सी वी कैनॉट समथिंग हैपन डायरेक्टली वी कैनॉट जज इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश एन एविडेंस इट टेक्स टाइम टू ब्रिंग आउट द जस्टिस इट टेक्स टाइम टू ब्रिंग आउट द एक्चुअल ट्रूथ जस्ट लाइक दैट दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वी डिड नॉट गिव एनी स्टेटमेंट्स वी डिड नॉट अटेंडेड एनी कॉल्स बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट प्रॉपर एविडेंस टू फिक्स एनी वन वो अलग तरीका होता है जब ये नॉर्मल सेक्शंस काम नहीं करता है तब पीडियाक लगाएंगे पहले तो नॉर्मल सेक्शन में वो रिमांड हो जाएगा उसमें पीडियाक का बात करेंगे कुछ एक्चुअली सब्सटेंस ये है सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम इफ पॉसिबल वी कैन इफ पॉसिबल वी विल रजिस्टर अ केस विद द हेल्प ऑफ कोर्ट सो कितना टाइम लगेगा इसको एफआईआर होने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने के इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी कुछ एलिगेशंस में कुछ अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है इफ कोर्ट सैटिस्फाइड दे विल डू मेन अक्यूज्ड एवन फ्रॉम बोरनगर पुलिस स्टेशन